वालेकुम अस्सलाम जी जी, मैं अपने बच्चों के लिए पूछना चाहती हूँ। वो पढ़ने का उनको मतलब शौक नहीं है, बोलने से भी नहीं पढ़ते हैं, और नमाज तो पढ़ते हैं मगर मैं कहती हूँ तो नमाज पढ़ते हैं मतलब खुद से नहीं पढ़ते नमाज। आप क्या हो या तो पढ़ने में दिल नहीं लगता है या फिर जहन कमजोर है? अच्छा सुनिए, वैसे पढ़ने के मामले में ना कि पढ़ने में बच्चे का दिल नहीं लगता, खेलने में दिल लगता है। मैं भी ऐसे था और आप भी ऐसी थी अच्छा जब बच्चे थे। एक चीज बताता हूं, या हसीब हो, बच्चों की कामयाबी उनके मेरिट बनाने, उनको बेहतरीन कामयाबियां देने, या हसीब। और एक पल के एक मैं आपको रूहानी पैकेज देता हूं बच्चों के लिए, औलाद के लिए। 3300 दफा बच्चों के इम्तिहान से पहले और 3300 दफा इम्तिहान के बाद और बाकी आम दिनों में एक तस्बीह हर नमाज के बाद, या हसीब या हसीब। बहुत कमाल चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, और इसको बहुत तवज्जो से करें, बहुत ध्यान से करें, या हसीबो को। ठीक है, मैं वो दो तस्बीह जो आप मुझे बता दी, वो आपने हदिया किया था सबको, वो भी मैं पढ़ रही हूँ। आपने अच्छा किया, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। जी 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 हाँ, फिर तो आप बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बंदा दो तस्बीह सूरत कुल हुव अल्लाह की हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला को हदिया करे और उनको अर्ज करे कि आप मेरे बच्चों की निगरानी फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, तो वो बहुत तवज्जो फरमाते हैं। और अगर बच्चे फिर इधर उधर भी हों तो हज़रत उमर अपने दुरे से भी तवज्जो करते हैं।